अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ और एडवांस मैथ्स के सवाल को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड इंटीजर। तो अक्सर बच्चे ना कन्फ्यूजन थी एन है क्या। तो बेसिकली हमें कहा गया है कि हमें इन चारों इक्वेशन में से कोई ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है कि अगर मैं एन की वैल्यू वन रखूँ ना, तो मेरे पास सबसे पहला जो ऑड इंटीजर होता है मेरे पास वो मेजबानों में वन होता है, सही है, तो वो सम आ जाए। और अगर मैं एन की वैल्यू टू रखूँ ना, तो जो सबसे पहले दो ऑड इंटीजर होते हैं मतलब कि वन प्लस थ्री मतलब कि फोर सम आ जाए मेरे पास। और अगर मैं एन की वैल्यू थ्री रखूँ, सही है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए, फर्स्ट तीन ऑड नंबर का सम मतलब वन प्लस थ्री प्लस फाइव यानी कि नाइन, सही है। सो हम इन चारों इक्वेशन में से हर इक्वेशन में पहले वन रख के चेक कर सकते हैं, फिर टू रख के, फिर थ्री रख के चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या ये वन फोर नाइन आ रहा है कि नहीं। सो मैं सबसे पहले वाली इक्वेशन में या एन स्क्वायर है वहाँ पर सबसे पहले वन रख के चेक कर लेते हैं। सो हाँ, वन स्क्वायर हमारे पास वन होता है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर टू रखूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे आंसर क्या चाहिए, फोर। तो हाँ, टू टू का स्क्वायर फोर होता है, ये भी सही है। अब अगर मैं थ्री रखूँगा तो मेरे आंसर क्या चाहिए, नाइन। तो यहाँ पर देखो थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास सही है। सो ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल इफ अ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेंजेंट होता क्या है। तो बेसिकली टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो किसी भी अगर कर्व को हम बनाए ना, सही है, उसको सिर्फ एक जगह से इंटरसेक्ट करे, सही है। दो जगह से अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन नहीं कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक से जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो दो जगह से इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन नहीं है, सही है। तो अगर हमें इस सवाल में कहा जा रहा है कि अगर मैं एक साइकिल बनाऊँ और इसके आउटसाइड एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो कितनी टेंजेंट लाइन बन सकती है। तो हमें मालूम है कि एक ये कर्व है, यहाँ से एक टेंशन लाइन बन सकती है यहाँ तक, और एक ये कर्व, तो यहाँ से एक लाइन बन सकती है यहाँ तक, दो लाइनें बन सकती हैं। अगर मैं बीच से एक लाइन बनाना चाहूँ तो मुझे मालूम है ये नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट से लाइन करेगी, सही है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन थ्री में हमें कहा जा रहा है, साइन 15 इक्वल्स टू। तो अक्सर बच्चे है ना इस सवाल को है ना मिसकंसेप्शन के समझ लेते हैं कि ना साइन 15 निकालना बहुत आसान ही समझ लेते हैं कि साइन 15 निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि साइन 45 में साइन 30 की वैल्यू को माइनस कर दो। हालांकि ये तरीका जो है वो गलत है, सही है, क्योंकि कभी भी ये ना अगर कोई इतना आसान सवाल आ जाए ना, तो आप हमेशा सोचो इतना आसान सवाल कभी नहीं आएगा पेपर में, वो आपको कुछ ना कुछ घुमा पा के ये ना कुछ लॉजिक होगी इसके अंदर जब भी आपको ये दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि ये एक फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर, साइन 45 माइनस 50 30 डिग्री, सही है। तो अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये 45 जो है मेरे पास वो अल्फा है और 30 जो है बीटा है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का, जो कि हमें पता है क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो आप इसमें सपोज करके वैल्यू डाल सकते हैं कि साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, फिर कॉस 30 की वैल्यू माइनस कॉस 45 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू, तो आप उसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा सॉल्व करने में। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं इसको सॉल्व करके। सब चलते हैं क्वेश्चन फोर की तरफ। सो क्वेश्चन फोर में हमें कहा जा रहा है, इफ द फोकस ऑफ पैराबोला इज 0, -3 देन इट इज, सही है, कप अप कप डाउन लेफ्ट टू राइट ओपन, सही है। तो हमें बताने पैराबोला किस तरफ बनेगा। सो हमें ये कोऑर्डिनेट्स देख के पता चल रहा है कि एक्स के हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास -3 है। अगर एक्स 0 है हमारे पास तो मुझे मालूम है मतलब मेरा पैराबोला किस तरह बनेगा, इस लाइन को टच करते हुए जा रहा हूँ मैं, पैराबोला ये जो लाइन है इसको टच करता हुआ जा रहा होगा मेरा पैराबोला जो होगा, सही है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट ओपन और राइट ओपन तो हो नहीं सकता अगर इस लाइन को टच कर रहा है। अब बाकी बचे थे कि वाई की वैल्यू क्या है।
अब वाई की वैल्यू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये यहाँ से कहीं जा रहा होगा। इसका मतलब मैं बोला किस बनेगा, यूँ अप डाउन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हमें बस इसको सॉल्व करना है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो ना और इसका एलसीएम निकालना हो, तो आसान तरीका ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ना आप इसको यहाँ पर जाके है ना मल्टीप्लाई करा दो वन के साथ, सही है, और इस वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो और इन दोनों वैल्यू को है ना आपस से मल्टीप्लाई करा दो। दिखाया तो किस तरह कि जस्ट लाइक क्या अगर मैं वन प्लस साइंस को लगू वन के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, सही है, प्लस वन ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने इस वन के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, बाकी नीचे मैंने दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया मेरे पास वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं पहले माइनस ले दो वरना पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसलिए सबसे पहले माइनस की साइन ले दो फिर प्लस की साइन, वैसे मसला नहीं है अगर आप आगे पीछे भी कर दो उसको क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, सही। सो हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का और ए प्लस बी का, जो कि हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस के साथ अगर मैं वन मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा वन, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास ये हो जाएगा साइन फोर थीटा, सही है। तो अगर मैं ऊपर देखूँ तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों टर्म्स क्योंकि प्लस में है ये माइनस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा मेरे पास यहाँ पर टू ओवर वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन फोर थीटा। सो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।